माय फेवरेट टॉप 10 में नंबर 2 पर मेरे पास है हांगकांग के शोले। हांगकांग के शोले से भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1985 में ईद उल फितर पे, और एक आउट क्लास सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी मेरे वालिद थे, सिनेमाटोग्राफर भी वो खुद थे, डायरेक्टर भी थे कहानी अलगेन जलील अफगानी साहब, और स्क्रीन पे डायलॉग सैयद नूर साहब। इस फिल्म की कास्ट में थे जावेद शेख साहब, बाबरा बेगम, रंगीला, अदीब साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। इसके अलावा इस फिल्म में तीन चार कैरेक्टर्स ऐसे थे जो श्रीलंका के एक्टर्स थे। इस फिल्म की बड़ी कहानी है कि हांगकांग के शोले का नाम जो है पहले डिसाइड किया गया था गोल्डन गेट, और ये फिल्म जो है अमेरिका में एक जगह है गोल्डन गेट, वहाँ पे शूट होनी थी। और इस फिल्म की कास्ट में जो पहला नाम था वो था, मतलब आप हैरान होंगे, जो जावेद शेख साहब ने कैरेक्टर किया वो बेसिकली था इमरान खान साहब का, जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब उस वक्त सेलिब्रिटी थे बहुत बड़े, और उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन जो है वो उनका कुछ शेड्यूल इस टाइप का था कि वो इतना टाइम नहीं दे सकते थे। खैर, उसके बाद कास्टिंग की जब बात आई कि जी अब किसको लिया जाए, तो सतीश आनंद साहब ने रेफ़र किया जावेद शेख साहब का नाम, और उनकी ख्वाहिश पे इस फिल्म में जावेद शेख साहब को कास्ट किया गया। और जावेद शेख साहब का इस फिल्म में डबल रोल था, इंटरवेल पे जो है उनकी डेथ हो जाती है, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो जो आवाम सिनेमा में फिल्म देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार फिल्म का हीरो तो मर गया, अब फिल्म में क्या है आगे, क्योंकि वो सस्पेंस था और उस ज़माने में कोई इतना मीडिया नहीं था, फिल्म के ट्रेलर से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि फिल्म किस तरफ जाएगी। और दूसरा, बाबरा शरीफ साहिबा जो थी फिल्म के आखिरी के आधे घंटे में थी, तो लोगों ने कहा जी बाबरा शरीफ का नाम दिया हुआ फिल्म में तो है नहीं, इंटरवेल हो गया, हीरो मर गया, अब क्या फिल्म होगी क्या नहीं होगा, तो लोग बड़े गुस्से में आ गए। तो इंटरवेल जब ख़त्म हुआ और जावेद शेख साहब एज सन, जो अपने ही बाप, जो बाप था उसका बेटे जब जवान होता था वो जावेद शेख अगेन वही शक्ल होती है, तो जब वो आता तो क्लैप होती है हॉल में और बड़ा फिल्म को सराहा गया। इस फिल्म में भी जो है वो हाथियों का भी बड़ा एक अहम रोल था, हाथी जो है वो धमाल कर रहे हैं एक गाने के ऊपर। इसके अलावा ये बेसिकली एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, कुछ अ सॉर्ट ऑफ बॉन्ड स्टाइल फिल्म थी, लेकिन बेसिकली ये साइंस फिक्शन फिल्म थी। इसके अंदर जो है वो अगर आप फिल्म देखें तो रोबोट्स पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी फिल्म में आए होंगे। इसके अलावा एक फायर गैस दिखाई गई थी कि वो किस तरीके से जो है वो अटैक करती है, जैसे अब आजकल COVID-19 दिख नहीं रहा और किस तरह अटैक कर रहा है। अगर ये बात 20 साल पहले होती तो शायद लोग यकीन नहीं करते कि ऐसी भी कोई चीज़ आएगी, लेकिन जो है वो आप जब हांगकांग के शोले देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और बहुत सुपरहिट फिल्म थी, इसमें कुछ यादें ऐसी भी हैं, बड़ी तल्ख यादें हैं। मुझे याद है कि ये फिल्म बेसिकली ये फिल्म भी शूट हुई थी थाईलैंड में और श्रीलंका में, इसका भी पैच वर्क खाली हांगकांग में था, बाकी पूरी फिल्म जो है वो हांगकांग में शूट नहीं हुई थी, दो दिन की शूटिंग हुई हांगकांग में। इंग्लिश टाइटल सॉन्ग था जिसको आरफा सिद्दीकी ने गाया था, और वो उसमें भी जावेद शेख साहब की ट्रैवलिंग है सारी, कि वो हांगकांग में लैंड किया है अब वो कहीं जा रहे हैं, तो टाइटल सॉन्ग भी बैकग्राउंड में ओवरलैप हो रहा है, प्लस कुछ पैच वर्क जो हांगकांग में शूट हुआ था। बाकी 99% फिल्म जो है वो श्रीलंका और बैंकॉक में शूट हुई थी। 1984 में फिल्म शूट हो रही थी, और इत्तेफाक़ की बात हुई कि मैं, मेरी पूरी फैमिली, वालदा, हम अपने वाले साहब के साथ गए बैंकॉक, तो पहला इसका स्पेल था बैंकॉक में। जब हम बैंकॉक पहुँचे तो होटल में जो रूम हमें मिला, हम बहुत थके हुए थे सारे, तो वहाँ मेरी वालदा के पास एक बैग था जिसके अंदर सारे डॉलर्स थे, और इस फिल्म की मतलब जितनी भी शूटिंग होनी थी वहाँ पे उसके पैसे सारे उस पर्स में थे, तो वो मेरी वालदा ने जो है एक जगह रखा कमरे में, और उसके बाद हम सब सो गए। जब हम उठे तो वो बैग गायब था, तो बड़ी एक परेशानी का सामना हो गया कि उस ज़माने में जितने भी $25,000-$30,000 जो भी लेके गए होंगे वो खो गए या चोरी हो गए। तो एक्टर्स को हमारे यहाँ फिल्म जब बनती है तो एक शेड्यूल तय हो जाता है कि जी आपको एडवांस ये मिलेगा, वहाँ शूटिंग पे जाके ये मिलेगा, वहाँ से वापसी पे ये मिलेगा। तो वहाँ एक्टरों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इनके पास पैसे ही नहीं थे, ये ऐसे ही यहाँ पे आ गए, एम ही बहाना बना रहे हैं कि जी पैसे चोरी हो गए, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल वो फिर एक एमरजेंसी की सूरत हाल हो गई, और हमारी कोई फैमिली ने यहाँ से पैसे अरेंज किए, कुछ सतीश साहब ने पैसे भेजे, बहरहाल किसी न किसी तरीके से वो फिल्म कंप्लीट हुई। और जब रिलीज़ हुई तो उसने सारे आंसू जो है वो पोंछ दिए, और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई।
कैसे हो टाइगर? मैं तुम्हारी मकरूह आवाज को कैसे भूल सकता हूँ? मुझे तो पहले ही शक था कि दहशत फैलाने वाले रोबोट के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। यकीनन तुम मुझसे टकराने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मुझसे टकराना इतना आसान नहीं। हांगकांग के शोले जावेद शेख साहब के करियर की भी बड़ी एक अहम फिल्म साबित हुई। उससे पहले उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, कभी अलविदा ना कहना, जो एक सेंटिमेंट्स और ड्रामा बेस्ड फिल्म थी और उसमें एक फैमिली ओरिएंटेड हस्बैंड का उनका कैरेक्टर था। हांगकांग के शोले उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, उसमें इनका टोटल एक्शन पैक्ड कैरेक्टर था और डबल रोल था। और इस फिल्म के बाद जो है उनकी एक बेस बन गई कि ये एक्शन हीरो भी हैं। कंगूरा को मारने के लिए पहाड़ों में खोलते हुए लावे की हिज्जत, आसमानों में कड़कती हुई बिजली की लपक और सीने में शेर का दिल चाहिए। लड़के तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास इंतकाम है। क्यों गई? जाने क्यों, तुम पर रहम आ रहा है।